कोविड-19 का इंजेक्शन 1 तारीख को सेकेंड टाइम में लिए थे, 2 तारीख को ड्यूटी आए और लगभग शाम 7 बजे घर गए। शाम का खाना खाए 7:30 बजे, टॉयलेट करने के लिए बाहर निकल रहे थे कि गिर गए। उसी दौरान हम लोग हॉस्पिटल सामने है, मैदान था, वहाँ लाए और डॉक्टर है तो मृत घोषित कर। खा के आराम करने जा रहे थे, वही बाहर निकले थोड़ा सा बाथरूम के लिए, वहीं तुरंत गिर गए। हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग का घर से है 5 मिनट का रास्ता है, तो जैसे गिरे वैसे ही तुरंत उनको पहुँचे हैं। पर वही तो नमस्ते नमस्ते, हाँ एमरजेंसी वार्ड में दम छोड़। हाँ बोलिए मालिक, डॉक्टर जी को बोले, डॉक्टर जी बोल दिए कि नहीं। सुबह में पता चला मेदांता के सुपरिटेंडेंट का फोन आया था, तो उन्होंने जो बताया कि वो बिल्कुल वैक्सीन लेने के बाद बिल्कुल ठीक था वो, और उसके बाद कल रात में आग वगैरह तापता था, आग तापने के बाद वो जस्ट बाहर गया था, शौचालय गया था और वहीं पर वो गिर करके उसका डेथ हो गया। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिसके वजह से हम लोग ये कह सकें कि वैक्सीनेशन के कारण डेथ हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोगों को पूरी जाँच हम लोग कर रहे हैं, जाँच भी कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम भी होगा, तो फाइनल डिसीजन या फाइनल जो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान बाद में जो रिजल्ट आएगा उसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उसकी मौत वैक्सीनेशन से नहीं हुई। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन है कि तो दूसरे राज्यों में भी हुआ है, करीब पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब हमको लगता है 10 या 12 डेथ हुआ है, लेकिन किसी केस में आज तक अभी तक नहीं, ये नहीं कहा गया कि वैक्सीनेशन के कारण डेथ हुआ है।